everybody in Sina Ghosha, please like and subscribe to Stand Up. वेलकम टू स्टार नाइन और मैं हूं मनान काजी. हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक बॉलीवुड की हस्ती मौजूद है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है. और म्यूजिक में अगर उनका हम जिक्र करें तो बॉलीवुड की क्वीन है, म्यूजिक की क्वीन है. आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रिया घोषाल. जी श्रिया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक. और आपके टूर कैसे जा रहे हैं? आपका आई थिंक एक टूर हो चुका है, अभी तो शुरुआत है. हाँ, we just finished our Rotterdam Hall in Wada concert and आज Birmingham में हूँ मैं और बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत अच्छा वेन्यू है. I have never performed in this venue before, so looking forward. बड़ा मैंने symphony hall है ये, town hall, और मैं आज पहली बार अपने symphony group के साथ आई हूँ, so couldn't have been more perfect. बिल्कुल. और आपका मालूम यू के लिए आठवां जो है वो आठवीं बार आप वापस आए हैं, तो कैसा आठ दफा जो आई थिंक लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं यूके में, और टूर आपका जो है वो बहुत सक्सेसफुल है. इसके अलावा आप कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? वैसे यूके के साथ एक बहुत खास रिश्ता है और ये आठवीं बार मैं आई गेस टूर कर रही हूँ, बट मैं एक्चुअली उसके भी पहले आ चुकी हूँ. और जब से मैंने अपने फिल्मों के गाने रिलीज किए, जब से हुआ है उसके बाद से यूके का आने का सिलसिला शुरू हो गया. और मुझे लगता है यहाँ की ऑडियंस बहुत ही खास, बहुत म्यूजिकल है, बहुत अच्छे म्यूजिक को पसंद करने वाली ऑडियंस है, डेप्थ है म्यूजिक में. सो मुझे यहाँ पर अच्छे गानों को लेके आना अच्छा लगता है. लाइक आई ऑफकोर्स आई ब्रिंग माई पॉपुलर सॉन्ग्स, बट दिस इज़ एन ऑडियंस जहाँ पे मैं पुराने गाने भी गा सकती हूँ, जिनको मैं अपने प्रोजेक्ट में अगर मैंने कुछ नया काम किया है जो फिल्म में नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वो भी सुनाने का मैं मतलब वहाँ से रिक्वेस्ट आ जाती है सिंगर से, विच इज़ अमेजिंग. दैट अपार्ट वी फिनिश दिस इज़ आवर सिम्फनी कॉन्सर्ट, जिसमें मतलब बहुत बड़ा एक ग्रुप है, बड़ा बैंड है और बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, स्ट्रिंग्स, ब्रास, name it, and we have the best of the musicians on board. We finished our US tour last year, 2017 mein. Ab UK mein aayi hoon, and then following we'll be having our I guess New Zealand, Australia, and many other US again. So is saal bhi bahut sara traveling hai. Aur आज का जो प्रोग्राम है उसमें आपके सेक्स सॉन्ग हैं या कुछ ऑडियंस की फरमाइशें भी जो है वो? ऑडियंस को तो मैं पहचान चुकी हूँ, उनकी फरमाइश मैं गेस कर लेती हूँ पहले से, तो वो हमेशा मैं सुन रही हूँ, अच्छा आपने बोला मैंने गाया, बट मुझे पता था कि ये बोलने वाले हैं. सो इट्स प्रीटी मच लाइक आपको पहले से, या आई हैव अंडरस्टूड देयर लाइकिंग. And I know कि हर सिटी का भी एक अलग अलग उसकी नब्स अलग है, तो वो पकड़ना पड़ता है. और मैंने ऐसे ऐसे आप बोल रहे हैं आठवीं बार आ रही हूँ, तो अब तक तो पता ही होना चाहिए. एंड बर्मिंघम आपको पता चल गया है. ग्रेट. आपको आपका कोई फेवरेट जो आपको गाना बहुत पसंद है, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए अपने गाए हुए गानों में? चलिए अभी जो बहुत ही पॉपुलर है हर जगह पे उसकी बात चलती है, तो मैं सुना देती हूँ. धनक प्रीत के सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, ललक रीत सब जग के छोड़ कर घूमर घूमर घूमे, भर के ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे वैसा घूमर घूमे रे. बहुत गाना बहुत खूब. आपने प्लेबैक सिंगिंग ऑब्वियसली आपका बहुत उसमें नाम है, तो आपको स्टेज की परफॉर्मेंसेस ज़्यादा पसंद है या प्लेबैक सिंगिंग लाइव स्टेज? दोनों का अलग नशा है. उससे स्टूडियो में गाने क्रिएट होते हैं, तो एक बहुत वो मंदिर जैसा लगता है. लाइक वहाँ पे हम वी गो इनटू मेडिटेशन, वी गो इनटू मेकिंग अ सॉन्ग, एंड वी
everybody's inputs are taken, like composer, lyricist, singer, then सबका एक मिलजुल के टीम वर्क होता है, उसमें एक गाना बन के आता है, फिर वो मार्केट में जाता है, लोगों तक पहुंचता है आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क, फिर जाके वो पॉपुलर होता है और उसके बाद उसको परफॉर्म किया जाता है. तो एक लंबा प्रोसेस है, शुरुआत होती है स्टूडियो से और उसका अंजाम स्टेज पे जाके होता है. तो वो दोनों को एक्सपीरियंस करना बड़ा अच्छा लगता है. सो आपको चाहने वाले सुनने वाले बहुत लोग हैं, तो अपने जो लोग आपको देखते हैं उनके लिए आपकी मैसेज कुछ? I would just like to see all, to all the fans here, big love, a lot of gratitude towards you for being so supportive. आपने इतना प्यार दिया है और हर साल मिलती हूँ आपसे, आपको गाने सुनाने का मौका मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं अपने आप को बहुत blessed feel करती हूँ कि ये मौका मुझे मिल रहा है इस जीवन में, ये जिंदगी में. और I want to grab into every moment, every opportunity that I can do something for you, give you good songs, entertain you for life, give you songs that you remember, they become a part of your life. So thank you for being there.